सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मतलब आपको जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी न्यू स्मार्टफोन, न्यू गैजेट कुछ भी लेते हो, न्यू या मतलब आपके पास कम बजट है और आपको कुछ भी परचेज करना है, तो आप क्या मतलब जो लोएस्ट ब्रांड होते हैं या जो न्यू ब्रांड इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं मार्केट में, उनकी चीज़ों पर ट्रस्ट करें या उनके स्मार्टफोन या उनके कोई भी टेक्निकल गैजेट है उन पर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको यही सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है कि मतलब क्या हमें इन सब ब्रांडों के जो है ये सारे ब्रांड हैं उनके लेने चाहिए स्मार्टफोन या जो भी गैजेट आपको लेना है वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आप न्यू हो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते रहेंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। नहीं, ख़त्म नहीं हुई, वीडियो भी शुरू करूँगा। सो जब भी आपको न्यू स्मार्टफोन लेना होता है, सबसे पहले मानो एक स्मार्टफोन लेना है आपको एंड आपका बजट 10,000 रुपये का है, सिर्फ 10,000 का बजट है आपका, और आपके पास बहुत सारे ब्रांड हैं, न्यू भी हैं और जो इस्टेब्लिश ब्रांड हैं वो भी हैं, MI, Realme, पोको, बहुत से ब्रांड हैं जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं मार्केट में, उनके भी स्मार्टफोन है 10,000 के। एंड जो नए नए ब्रांड हैं जैसे कि इन्फिनिक्स, टेक्नो, नोकिया तो बहुत पहले का ब्रांड है लेकिन अब कोई बात है आ गया, माइक्रोमैक्स, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, बहुत पुराने हैं लेकिन उनकी कोई खास मार्केट वैल्यू है नहीं। तो क्या आपको इनका फ़ोन लेना चाहिए, इनका स्मार्टफोन लेना चाहिए या आपको इनका स्मार्टफोन लेना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मानो आपको एक स्मार्टफोन लेना है गेमिंग करने के लिए, गेमिंग के लिए, कैमरे के लिए, कुछ के लिए भी लेना है, तो एक है रियलमी का फ़ोन जिसका प्राइस है आपको 7,000 मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 3 GB रैम मिलेगी एंड 32 GB इंटरनल मिलेगी। प्रोसेसर भी कोई नॉर्मल सा है जो चलाने वाला है, मतलब लोएस्ट प्रोसेसर है जो शुरुआती होती है एंड आपको कैमरा वही 12-13 MP का मिलेगा एंड आगे 5 MP का मिलेगा। वहीं आपके पास एक टेक्नो का स्मार्टफोन है जिसका 50 MP का कैमरा है, 5500 mAh की बैटरी है, सुपर फास्ट चार्जर है, फास्ट चार्जर है एंड प्रोसेसर भी काफ़ी ठीक ठाक सा ही है, स्नैपड्रैगन का है या हीलियो है, जो भी है, जिस चीज़ का भी प्रोसेसर भी अच्छा है, लेकिन आपका मन करेगा रियलमी लेने का, टेक्नो पे आप बिलीव कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो नया ब्रांड है, क्या पता सही हो नहीं हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती है अगर हम खुद से पर्सनली कोई चीज़ खरीदते हैं तो। टेक्नो के मतलब मान लो बेशक आपको स्टील बॉडी दे रहा हो, प्लास्टिक बॉडी दे रहा हो, कारण मतलब लोगे, लेकिन रियलमी का है क्योंकि वो स्टैब्लिश है, भरोसा है। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि आप रियलमी का लो या टेक्नो का लो कोई आपको फ़र्क दिखेगा, मैं तो कहूँगा टेक्नो का लो, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए अगर आपको वो किसी और ब्रांड में मिल रही है, जो चीज़ चाहिए ब्रांड मत देखो, क्योंकि जो भी है अब हर एक बंदा है नया नया कोई ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहा है तो मदद जब तक नहीं होगी वो कैसे अपना ब्रांड बनाएगा। जब मान लो रियलमी आया था न्यू तो, या MI आया था न्यू तो उसको भी थोड़ा ना कोई पूछता था, हम लोगों ने उसके स्मार्टफोन लिए क्योंकि वो सस्ता मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लिए ना। तो इन सारे ब्रांड को भी थोड़ा देखो ना, मैं ये नहीं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी प्रमोशन वोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी के हाथ में नहीं हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बिलीव की बात होती है, आप नहीं लेते हो फ़ोन, क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि नया नया है यार, कौन विश्वास करेगा, पता नहीं कैसा होगा, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर कैमरा लेना है, कैमरे का स्मार्टफोन लेना है, तो आप सेंसर देखो कौन सा है, मेगापिक्सल से मतलब नहीं होता, बस जो सोनी का IMX क्या सेंसर कौन सा लगाया है, कौन सा क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें अंदर की देखो, बाहर सब कुछ आपको ये बताएगा कि 108 MP है, 50 MP है, ये है वो है, आपको देखो कि मतलब क्या चाहिए मुझे, वो मिल रहा है, अगर नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा है तो कोई सही ब्रांड और लो। बेसिक रियलमी आपको नहीं प्रोवाइड करवा रहा है क्योंकि उसकी ब्रांडिंग वैल्यू बढ़ चुकी है तो वो नहीं देगा आपको उतने में, लेकिन नए नए जो ब्रांड होते हैं उनको फ़ायदा उठाओ, जैसे अब बर्ड्स एयरबड्स में ले लो या लीड की उसमें ले लो, पिट्रोन एक कंपनी आई है नई, उसके इतने अच्छे अच्छे मतलब प्रोडक्ट हैं, वो सस्ते देता है, क्यों नहीं लेते लोग? क्योंकि मतलब कोई भरोसा नहीं है, लो यार स्टाइलिश नहीं होगा लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगा, फिक्स बता रहा हूँ मैं, मतलब मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, मैंने मीवी के कितने सारे मतलब प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, कितने सब चीज़ों के प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, रियलमी का मैं खुद स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ लेकिन मुझे उससे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो जाता है, ब्रांडिंग वैल्यू हो जाती है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपनी जो है वो हटानी छोड़ देती है, ध्यान नहीं देती है अपने स्मार्टफोन वगैरह पे, जो भी चीज़ है उन सब पे ध्यान नहीं देती, चल रहा होता है हम लोग कोई नहीं, और जो न्यू इस्टेब्लिश हो रहे हैं तो वो हर एक चीज़ पे ध्यान देती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को वो प्रायोरिटी लेके चलती है ऑलवेज, जब भी कोई नया ब्रांड आता है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ये हमेशा हर चीज़ देखने वाली होती है। बाकी मैं तो आपको यही कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको जो चाहिए वो अगर कोई सी भी ब्रांड में मिल रहा है वो लो, बस ये याद रखना कि सब कुछ देखने के बाद लेना, कहीं आप कोई सा फोन ले लो और बोलो यार देखना मैंने तुम्हारे कहने से लिया था, मेरे 10,000 वेस्ट हो गए, 20,000 वेस्ट हो गए और ऐसा ऐसा है। और रही बात ये सारे ब्रांड की, एक दिक्कत है कि इनमें ऐड जो है वो बहुत ज़्यादा है, मालवेयर, एलवेयर, जो भी है सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, सिक्योरिटी के सबसे बड़ा रीज़न आता है लोगों के मन में सिक्योरिटी। अब देख लो, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो सीधा एप्पल लो ना यार, पूरी सिक्योरिटी चाहिए तो एप्पल लो, अब एप्पल का बजट है नहीं तो देखना तो यही पड़ेगा ना। अब बात कर रहे हो ऐड की, तो क्या MI में ऐड नहीं होते, MIUI में ऐड नहीं होते, यहाँ तक सेटिंग के अंदर भी ऐड देखा है मैंने, उसमें रियलमी में ऐड नहीं होते, कहाँ कहाँ ऐड देखा उसके अंदर, तो मैंने
तो यार 2-3 एडिस में भी देख लो, बाकी जो चीज़ें सब कुछ मिल रही है तो यार ले ही लो ना। 7,000 का है उधर, 15,000 का मिल रहा है वो स्मार्टफोन, क्यों वेस्ट करना है इतना पैसा? अगर है तो सीधा अच्छा लो, नहीं है तो सीधा ऐसा लो जिससे काम चल जाए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।